ये खत आया है द्वापर की द्रौपदी ने, ये खत आया है द्वापर की द्रौपदी ने कलयुग की द्रौपदी को एक प्रश्न लाया है। एक खत आया है प्रेषक पर द्वापर की द्रौपदी और प्रेष्टी पर कलयुग की द्रौपदी, एक प्रश्न चिन्ह लगाया है, शायद कोई प्रश्न आया है। एक खत आया है, लिखा है, लिखा है सुनो सखी ये मुझ पर कैसा लांछन आया है, लिखा है सुनो सखी ये मुझ पर कैसा लांछन आया है कि द्रौपदी ने ही महाभारत करवाया है, कि द्रौपदी ने ही महाभारत करवाया है। इस समाज ने जब ये आरोप लगाया है तो फिर मेरे में इस समाज के लिए प्रश्न आया है, इस समाज ने जब ये आरोप लगाया है तो फिर मेरे मन में भी इस समाज के लिए प्रश्न आया है। प्रश्न कुछ ऐसा है कि जब कौरवों ने लाभ का सुंदर महल बनाया था पांडवों को उसमें क्षण से पहुंचाया था, उनको तो माता कुंती पर भी ना रहमाया था, उन सबको जलाकर मामा सपनी ने दुर्योधन को सिंहासन पाने का सुंदर स्वप्न दिखाया था, तब तो द्रौपदी ना हिस्सा थी पांडवों का, फिर कौरवों को किस बात पर गुस्सा आया था, क्यों कौरवों ने ये षड्यंत्र रचाया। ऐ समाज के ठेकेदारों क्यों तुमने ये भ्रम फैलाया है, क्यों दोषी को निर्दोष और मुझ द्रौपदी को दोषी बतलाया है, राज्य तुम्हारा सभा तुम्हारी जुए का खेल तुम्हारा नियम तुम्हारे सिंहासन की भूख तुम्हारी जीत तुम्हारी हार तुम्हारी, फिर चीर हरण क्यों द्रौपदी का करवाया, और महाभारत का आरोपी द्रौपदी पर लगाया है, दुख विषाद और विस्मय से लिपटा हुआ एक खत आया है, उसमें एक प्रश्न चिन्ह भी लगाया है, शायद कोई प्रश्न आया है। द्रौपदी कहां गलत है, क्यों दोष द्रौपदी पर, दोष कौरवों का, फिर क्यों रोष द्रौपदी पर, रोष पांडवों पर, फिर क्यों आरोप द्रौपदी पर। एक खत आया है द्वापर की द्रौपदी ने कलयुग की द्रौपदी से अपना दुख बतलाया है। एक खत आया है, ए पुरुष प्रधान समाज खुद को बचाने का क्या हथकंडा अपनाया है, जिसके साथ अपराध हुआ उसे ही अपराधी बताया है। एक खत आया है, अब तुम ही विचार करो कि महाभारत का युद्ध क्या वास्तव में द्रौपदी ने करवाया है, क्यों उस पर ये लंशन आया। थैंक यू।